चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के विकास खंड मुख्यालय खरसिया में शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। करीब 10.5 फीट ऊंची ये प्रतिमा विश्राम गृह के सामने स्थापित की गई है। इसे तांबा, जिंक, लेड और टीन के मिश्र धातु से तैयार किया गया है। शहीद नंद कुमार पटेल की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल समेत पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। चौहान को साल 2020 के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने मदन सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि चौहान ने अपना पूरा जीवन संगीत साधना के लिए समर्पित कर दिया और उनके इस उपलब्धि से पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सुकमा के मरईगुड़ा सीआरपीएफ कैंप में जवान की फायरिंग से 4 जवानों की मौत हो गई और इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो इस फायरिंग में 4 जवानों की मौत हुई थी, जिनको आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कारण यहां पर क्या रहे जवान की तरफ से अपने ही साथी जवानों पर फायरिंग की, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले की जनपद पंचायत मारक खरौदा के ग्राम भाटा पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का भी ग्राम भाटा आगमन हुआ। हेलीपैड पर फूल मालाओं से आत्म स्वागत किया गया तो झीरम शहीद स्वर्गीय नंद कुमार पटेल की जयंती कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर उनकी विचारधारा को याद करते हुए वहीं श्रद्धांजलि भी दी। कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में 2,37,33,338 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 1,61,39,625 लोगों को इसका पहला टीका और 75,93,713 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बालोद जिले में अब तक 8,43,755, बालोदा बाजार भाटापारा में 8,62,978, बलरामपुर रामानुजगंज में 4,45,146, बस्तर में 6,76,700, बेमतरा में 5,59,135, बीजापुर में 1,58,180, बिलासपुर में 16,67,300, दंतेवाड़ा की बात की जाए तो यहां पर 2,57,473, धमतरी में 7,69,322, दुर्ग में 16,61,999, गरियापंद में 4,11,321, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 3,07,190, जांजगीर चांपा में 12,75,328 और जशपुर में 6,80,997 टीके लगाए जा चुके हैं। तो वहीं रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ हरमू में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। ये जंगल सफारी प्राकृतिक वन संपदा को बिना नुकसान पहुंचाए 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। जंगल सफारी में वन्य प्राणियों और आने वाले पर्यटकों के लिए नवीन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने शासकीय निवास कार्यालय में रामचुआ हरमू क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी परियोजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी ली तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक वन संपदा को नुकसान पहुंचाए बिना जंगल सफारी का निर्माण किया जाए।
तो वहीं गौरेला में किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद जल संसाधन विभाग के एसडीओ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौन साधे हुए हैं। जल संसाधन विभाग की तरफ से दरी अपवर्तन योजना के तहत नहर का निर्माण 7 से 8 साल पहले किया गया था, लेकिन नहर की गहराई ज्यादा होने के चलते लोगों को नहर का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे पानी नहीं मिलता। अच्छा। और मान लो अभी कोई यूज नहीं करते हैं अपने यहाँ, पंप वंप से भी मान लो थोड़ा बहुत के लिए है पानी तो लगा लिए, और कभी कभार बांध को खोल देते हैं तो पानी नहीं रहता है, तो क्या यूज करेंगे। तो वही बेमतरा के ग्राम पंचायत मूलमुरा के भूतपूर्व सरपंच भूपेंद्र साहू और सचिव पर लाखों के गबन का आरोप लगाया। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत की राशि को भूतपूर्व सरपंच भूपेंद्र साहू सचिव अपने ही परिवार के खाते में हस्तांतरित कर लाखों का घोटाला किया है। वही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस मामले में शिकायत भी की है। तो वहीं कवर्धा जिले की बात करें तो यहां पर 25 किलोमीटर दूर ग्राम बहरमुड़ा में 3 दिवसीय कबीर संत समागम भाई दूज मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कवर्धा जिले को संत कबीर दास जी की नगरी कहा जाता है। संत कबीर दास के ही नाम पर कवर्धा जिले का नाम बदलकर कबीर धाम रखा गया है। मेले का आयोजन पंत हुजूर ग्रंथ मुनि नाम साहिब की स्मृति में कराया जाता है। कवर्धा छत्तीसगढ़ 3 दिवसीय कबीर संत मेले का यहां पर आयोजन और इसमें जो मौजूद लोग थे वो काफी उत्साहित नजर आए। तो वहीं बिलासपुर में कांग्रेस नेता अकबर खान की तरफ से सिविल लाइन थाने में किए गए अभद्र टिप्पणी के बाद शहर अध्यक्ष विजय पांडे की तरफ से गठित टीम ने विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेसी नेता अकबर खान का बयान लिया। सबसे पहले टीम ने पहुंचकर नगर विधायक शैलेश पांडे का बयान लिया, जिसमें उन्होंने बाहर निकलकर खुलकर मीडिया में एक बार फिर अपनी बातें रखी। कांग्रेसी नेता अकबर खान ने कहा कि जो वीडियो बनाया गया वो पूरी तरह से फर्जी वीडियो है। शिकायत नहीं थी, मेरे पास नोटिस आया था जिस संदर्भ में कांग्रेस कमेटी ने कमेटी बनाई थी। मैंने अपनी बात रखने के लिए अपनी पूरी बात मैंने कमेटी के सामने रख दी है। अब जो भी निर्णय उनको लेना है वो लेंगे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय पांडे जी ने मामले में जो है जाँच समिति बनाई थी, और उस जाँच समिति के जो सदस्य थे आदरणीय राजेश पांडे जी, आदरणीय भुवनेश्वर यादव जी, उन्होंने मुझे आज कांग्रेस भवन बुलाया था इस अकबर खान के जो गाली वाला विषय था थाने का, उस विषय पर बातचीत करने के लिए। और मैंने अपनी सारी बातें जो है वो समिति के सामने पार्टी फोरम में रख दी। तो वहीं बेमतरा के ग्राम पंचायत मूलमुला के भूतपूर्व सरपंच भूपेंद्र साहू सचिव पर लाखों के गबन का आरोप लगाया। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत की राशि को भूतपूर्व सरपंच भूपेंद्र साहू सचिव अपने ही परिवार के खाते में हस्तांतरित कर लाखों का उसने घोटाला किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले में शिकायत की है। वो मिल के ही निकालेंगे ना भाई, बिना सचिव के सरपंच थोड़ी पैसा हरण कर सकते हैं। ये तो दोनों का मनमानी तरीके से दोनों को कमीशन के चक्कर में ही निकालने होंगे। क्या नाम है सरपंच सचिव का? सरपंच का नाम है रुपेंद्र साहू, पूर्व सरपंच है, और हमारे पंचायत में पूर्व सचिव था अनिल टंडन। अभी नहीं है हमारे पंचायत में। एक ग्रामीण के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत है जो भूतपूर्व सरपंच रुपेंद्र साहू के द्वारा अनियमितता का मेरे को जानकारी मिला, तो वाकई में इनका गलत है। और उसके पूरा बिल कम से कम 65 बिल है जो अपने बाप और अपने भाई के नाम से निकाला गया है। लगभग वही 26 लाख का गमन किया गया है। धमतरी जिले के ग्राम पेटियाडीह गांव में कुछ असामाजिक लोगों ने गुंडागर्दी की, जिसकी वजह से गांव में दहशत का माहौल है। दरअसल पेटियाडीह गांव में शराब और गांजे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। ग्रामीणों ने अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा।
हमारे गांव में भी दीपावली के दिन बहुत माहौल गर्मा गर्मा रहा। वाद विवाद होने के बाद में एक व्यक्ति द्वारा तलवारबाजी किया गया और वहां उनका और बाकी पब्लिक जो थे उनको धमकी दिया गया कि भाई यदि मैं यहां से अरेस्ट हो गया हूं, लेकिन वहां से आने के बाद में पुनः मैं क्या नाम से केक को निपटाऊँ करके, इससे गाँव में दहशत का माहौल हो गया। कल गाँव में बैठक रखा गया था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि ऐसे जो दहशत के गर्दी है उनको उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। पीएस अर्जुनी के अंतर्गत गांव कोटिया दी है, वहाँ के पंच सरपंच और कुछ ग्रामीण जन आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनका यह कहना है कि विगत दिनों वहाँ पे घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए थे और उसको गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। उस पर से ऑलरेडी थाना अर्जुनी में अपराध पंजीबद्ध है। फिलहाल जो आरोपी है जुडिशियल रिमांड पे जेल में है। हमारे ग्राम में कल ग्राम का बैठक संपन्न हुआ, उसमें ये सब एकजुट होकर के जाना है। एक परिवार से प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति, और आज हम यहाँ जो आए हैं उसमें बिल्कुल 100% हर परिवार से एक एक व्यक्ति यहाँ कलेक्टेड। उन्होंने आश्वासन दिया है, इसको उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया है, और उन्होंने एसपी साहब खुद हमको आश्वासन दिए कि मैं आपके ग्राम बिल्कुल पहुंचूंगा। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत उदयपुर ढाब में बहला फुसलाकर बीमारी ठीक करने का दावा करके धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। सूचना पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर आयोजन को रोका और जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर निवासी व्यक्ति बीते दिनों से ग्राम उदयपुर ढाब में प्रशासन को बिना सूचना दिए प्रार्थना सभा का आयोजन कर लोगों को भ्रमित कर रहा था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना सभा आयोजित कर बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस उक्त व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। आज मणिपुर चौकी अंतर्गत एक गांव पड़ता है उदयपुर ढाब करकर, वहाँ पर शिकायत आई थी, सूचना आई कि एक सभा का आयोजन जो कि विधिवृत्त बिना अनुमति लिए किया जा रहा है। ऐसी शिकायत आने पर मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुंची थी और इसमें अभी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप विधि सम्मत इसमें कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने 15 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर कहा है कि ये इवेंट शो है, प्रशासनिक शो है। आदिवासी वर्ग साधारण वर्ग हैं और किसके नाम पर बीजेपी इवेंट शो कर रही है? मोदी जी सब जगह इवेंट शो करते हैं। केदारनाथ का इवेंट मैनेजमेंट था। साथ ही कहा कि आदिवासी बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि बीजेपी क्या कलाकारी की राजनीति कर रही है, क्या हकीकत है। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में देर रात दो युवकों ने काली माता मंदिर की दान पेटी को तोड़कर उसमें से 20,000 रुपए चुरा लिए। इस मंदिर का निर्माण किन्नर समाज की तरफ से करवाया गया था और इसकी देखरेख भी किन्नर समाज ही करता है। जानकारी के मुताबिक बैराड़ कस्बे में किन्नर समाज की तरफ से बनाए गए काली माता मंदिर से दो चोरों ने दान पेटी को तोड़कर उसमें से 20,000 रुपए चुरा लिए, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मंदिर संस्थापकों ने चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र के एसएसएफ पेट्रोल पंप के पास 6वीं बटालियन में कार्यकृत कंपनी कमांडर पुलिस अधिकारी नारायण बहादुर के बेटे रोहित थापा की चार युवकों ने देर रात चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिन्हें रांची थाना की पुलिस ने सरगर्मी से तलाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। कल रांची के पेट्रोल पंप के पास में एक झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा संभवतः इस बात का हुआ है कि दिनांक 4/11 को जो आज की घटना का आरोपी है, इसके भाई के साथ मारपीट की थी दूसरे लोगों ने। इसी बात पर से कुछ उनको आपस में कुछ झगड़ा हुआ, गर्मा गर्मी हुई और उसमें से एक आरोपी ने उसकी जांग पर चाकू मार दिया। तो ये पाया गया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी वहाँ पर, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत होना अभी प्रारंभिक जाँच से पता चला है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये है कि ये आपस के भी जान पहचान के थे, दोनों मिलते रहते थे वहीं सब, एक दूसरे एक साथ रहते हैं ये, और वहीं इनका आना जाना है। तो तुरंत ही कुछ गर्मा गर्मी हुई है पुरानी एक इनकी मनमुटाव को लेकर के,
और उसकी फिर मृत्यु हो गई बाद में। देवास जिले के खातेगांव पुलिस ने 12 वर्षीय बालिका की हत्या के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने गमछे से गला दबाकर बालिका की हत्या की थी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीते शाम को बाकड़ी कॉलोनी में एक 12 वर्षीय बालिका के शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंपने के बाद मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर दिया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। कल खातेगांव के बागड़ी कॉलोनी क्षेत्र से रात्रि 7:30 बजे एक सूचना मिली थी कि 10 वर्षीय बालिका की एक नवनिर्मित भवन में लाश पड़ी है। तो तत्काल मौके पर पीआई महेंद्र परमार और एसडीपी ज्योति मठ पहुंचे थे। वहाँ पर जब पूछताछ की गई तो ये तथ्य आया कि उस नवनिर्मित भवन में पूर्व में काम करने वाला एक मिस्त्री गोलू उर्फ नरेंद्र बलाई जो था, उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है और बालिका की उसने गला दबाकर हत्या की है। जुर्म भी उसने कबूल कर लिया है। हमने घटने की संवेदनशीलता को देखते हुए रात में ही डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराया है। 60 PM रिपोर्ट के आधार पर हमने धारा 302-201 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया है।